और फरीदाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे किसान अब दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं और भारी संख्या में किसान पैदल ही बदरपुर बॉर्डर की तरफ निकल पड़े हैं। इस दौरान किसानों के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने हालात का जायजा लिया। देखिए, बदरपुर बॉर्डर की तरफ किसानों ने कूच शुरू कर दिया है और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हजरौदा चौक से किसान नारेबाजी करते हुए बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और अब किसानों और बदरपुर बॉर्डर के बीच में कम ही दूरी बची है जब किसान बदरपुर बॉर्डर पहुंच जाएंगे। और ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से किसान हाईवे पर निकलते हुए पैदल ही आगे कूच कर रहे हैं। आज क्या बदरपुर पहुँचने की रणनीति आपकी? हमारी रणनीति यहाँ से पैदल चल करके सीधे बॉर्डर पर रुकने का प्रोग्राम है। बॉर्डर पर पहुँचेंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं ठहरेंगे और हमारा जो लक्ष्य है बॉर्डर पर पहुंच करके अपना देश के प्रधानमंत्री को सरकार को विरोध प्रोटेस्ट में हमारा ये मार्च वहां तक पहुंचने का प्रोग्राम पूरा होगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने तैयारी की है आपको रोकने की, कैसे पार पाएंगे उस नाकेबंदी से? नहीं, पलवल से यहां तक हमारी पुलिस की बहुत कई तैयारियां थी लेकिन उन तैयारियों को धराशायी करते हुए किसान अब बिल्कुल बॉर्डर की तरफ बहुत नजदीक है। उनको भी बाधा करेंगे, उनको भी पार करेंगे। लेकिन क्या दिल्ली में एंट्री करने की तैयारी आपकी या बदरपुर बॉर्डर पर? हमारा बदरपुर बॉर्डर तक प्रोग्राम है, उसके बाद जो नेताओं का आदेश होगा वो करेंगे। तो क्या बॉर्डर को सील रोकेंगे आप? अभी हम वहां से पहुंचने के बाद संघर्ष समिति की मीटिंग होगी और उसके बाद तय करेंगे हमें आगे कदम क्या करना है। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनका साफ कहना है कि पहले वो बदरपुर बॉर्डर पहुंचेंगे और ऐसे में वहां संघर्ष समिति जो बनाई गई है उसकी तरफ से एक बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर उन बदरपुर बॉर्डर पर बॉर्डर को सील किया जाएगा या दिल्ली में एंट्री की जाएगी। इसके साथ साथ मैं बता दूंगा आपको कि तमाम जो किसान नेता हैं उनके पूरे संपर्क में, ये जो फरीदाबाद और पलवल के नेता हैं और किसान हैं वो संपर्क में हैं और उनकी तरफ से जिस तरह से आदेश मिलते हैं आगे की रणनीति पर तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ा है बढ़ना है। लेकिन फिलहाल ये तमाम जो किसान हैं जो हाईवे पर पैदल मार्च कर रहे हैं ये आप बदरपुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं फरीदाबाद से।